व्यूअर्स, इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के सेकंड एग्जांपल दैट इज शेल कॉइलिंग इन स्नेल को स्टडी करेंगे। यहां मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको कि शेल कॉइलिंग में किसी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल यानी प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी रोल नहीं होता है। स्नेल में या लिम्निया पेरीग्रा में जो कॉइलिंग है, दिस कॉइलिंग इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन डेक्स्ट्रल कॉइलिंग एंड नंबर टू सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग को हम राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज कॉइलिंग भी कहते हैं, यानी यहां पर कॉइलिंग राइट हैंड डायरेक्शन में या क्लॉक के डायरेक्शन में होती है, जबकि सिनिस्ट्रल को हम लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग भी कहते हैं। यहां अगर आप कॉइलिंग को देखेंगे तो ये घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में कॉइलिंग आपको दिखाई देगी। मोर ओवर, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग इज डिटरमिंड बाय ए जीन कैपिटल डी, आइदर इन होमोजाइगस कंडीशन और इन हेटरोजाइगस कंडीशन। जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होती है वो न्यूक्लियर जीन कैपिटल डी से डिटरमिन की जाती है, जबकि सिनिस्ट्रल कॉइलिंग इसी के रिसेसिव एलील यानी कि स्मॉल डी के थ्रू गवर्न की जाती है। मोर ओवर, जब यहां पर ये डेक्स्ट्रल फीमेल एग का प्रोडक्शन करेगी तो चूंकि यहां कैपिटल डी था इसीलिए इसके साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और यही वो प्रोटीन है जिसके कारण कॉइलिंग डेक्स्ट्रल होती है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस प्रोटीन इज इसेंशियल मैंडेटरी फॉर द डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। और ये प्रोटीन कब बनेगी? जब कैपिटल डी प्रेजेंट हो। यहां देखिए, चूंकि कैपिटल डी नहीं है इसीलिए यहां जो फीमेल एग बनाएगी इस एग में साइटोप्लाज्म में कोई भी प्रोटीन नहीं होगी। चूंकि यहां प्रोटीन नहीं होगी इसीलिए कॉइलिंग सिनिस्ट्रल होगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के लिए साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का होना, इस स्पेशल प्रोटीन का होना मस्ट है। और दूसरा, यह स्पेशल प्रोटीन तभी बनेगी जब कैपिटल डी प्रेजेंट होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अगर वो आपको समझ में आ गया तो यह आपको बहुत इजी लगने लगेगा, वो ये कि फीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इज इक्वल टू द जीनोटाइप ऑफ मदर। मदर के जीनोटाइप का मतलब यानी मदर के एग से मतलब है। तो जो मदर का जीनोटाइप होगा उसी के द्वारा फीनोटाइप का डिटर्मिनेशन होगा। यानी जब हम फीनोटाइप देखेंगे प्रोजेनी का तब हमें प्रोजेनी के जीनोटाइप को देखना ही नहीं है कि प्रोजेनी होमोजाइगस रिसेसिव है या होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटरोजाइगस है, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें आंख बंद करके बता देना है कि उसकी मदर में जो जीनोटाइप था, अगर उसके मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी है तो डेक्स्ट्रल होगी, उसके मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी नहीं है तो कॉइलिंग सिनिस्ट्रल होगी। दूसरा, यहां एक पॉइंट आपको समझना है, डिलेड इफेक्ट। ये क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आइए इसको एक क्रॉस से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम यहां एक क्रॉस बनाते हैं, मेल डेक्स्ट्रल होमोजाइगस डोमिनेंट, डेक्स्ट्रल मेल का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव सिनिस्ट्रल फीमेल से कराते हैं।
तो देखिए यहां पर एग में प्रोटीन नहीं होगी क्योंकि मदर में कैपिटल डी नहीं है, तो यहां से जो एग बनेगा इस एग में प्रोटीन नहीं होगी, यानी मदर का जीनोटाइप कौन सा है, सिनिस्ट्रल वाला। तो अब यहां जो प्रोजेनी होगी वो वही होगी जो मदर का जीनोटाइप डिटरमिन करता है। तो यहां भले ही कैपिटल डी और स्मॉल डी है लेकिन इसका फीनोटाइप क्या होगा, सिनिस्ट्रल, क्योंकि फीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिटरमिंड बाय जीनोटाइप ऑफ मदर, और मदर का जीनोटाइप कौन सा एग बनाएगा, बिना प्रोटीन वाला। अब देखिए इन्हें हम F1 इंडिविजुअल को आपस में अगर क्रॉस कराएं, यानी इनमें अगर हम सेल्फिंग करा दें, तो सेल्फिंग के बाद क्या रिजल्ट होगा, इसके लिए मैं एक पॉनेट स्क्वायर यहां पर बना देता हूं। देखिए अब इन्हें हमने आपस में क्रॉस कराना है, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, तो अब F2 प्रोजेनी में हम इसके गैमेट यहां लिख ले रहे हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, इसके गैमेट यहां लिख ले रहे हैं कैपिटल डी स्मॉल डी। देखिए कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी। अब ये आ गई हमारी F2 जेनरेशन। अब देखिए फीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी विल बी इक्वल टू जीनोटाइप ऑफ मदर। अब यहां देखिए मदर का जीनोटाइप क्या है, यहां कैपिटल डी है, इसलिए यहां से जो एग बनेंगे उन एग में प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अब चूंकि एग हमें प्रोटीन वाले मिल रहे हैं इसीलिए ये भी डेक्स्ट्रल होगा, ये भी डेक्स्ट्रल होगा, ये भी डेक्स्ट्रल होगा और ये भी डेक्स्ट्रल होगा। मजेदार बात क्या है, क्योंकि यहां पर जो एग आ रहा है वो एग भी कहां से आ रहा है, इस फीमेल से, और ये फीमेल जो एग बना रही है वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो मैंने कहा था आपको कि जीनोटाइप जो भी है प्रोजेनी का उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका जो फीनोटाइप होगा वो मदर का जीनोटाइप यानी मदर से आया हुआ एग डिटरमिन करेगा। तो देखिए यहां सेल्फिन में जो एग आ रहा है उन सारे एग्स में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो भले ही यहां स्मॉल डी होमोजाइगस कंडीशन है लेकिन चूंकि यहां जो एग आया था उस एग में ये प्रोटीन प्रेजेंट थी, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन ये जीनोटाइप भी डेक्स्ट्रल कॉइलिंग ही शो करेगा। अब इससे हम F3 जेनरेशन जेनरेट करते हैं, देखिए क्या हमें परिणाम मिलेगा। अब देखिए पहला है कॉम्बिनेशन कैपिटल डी हम F3 जेनरेशन यहां पर जेनरेट करेंगे। कैपिटल डी को आपस में अगर हम क्रॉस कराएं तो देखिए फीनोटाइप विल बी डिटरमिंड बाय जीनोटाइप ऑफ मदर। अब ये जो एग बनाएगा यहां पर प्रोटीन होगी इसीलिए दे ऑल विल बी डेक्स्ट्रल। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, इन्हें हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो फीनोटाइप विल बी डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप ऑफ मदर। अब मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी अवेलेबल है तो यहां जो एग बनेगा उसमें प्रोटीन होगी इसलिए दे ऑल विल बी डेक्स्ट्रल। तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब यहां भी देखिए मान लीजिए ये मेल ये फीमेल, तो फीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी विल बी डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप ऑफ मदर। तो मदर से यहां जो एग आएगा उस एग में प्रोटीन प्रेजेंट होगी, तो सारे एग्स में प्रोटीन है इसलिए दे ऑल विल बी डेक्स्ट्रल। चौथा केस देखिए, अब देखिए यहां पर आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। स्मॉल डी को आपस में अगर हम क्रॉस कराएं, सपोज इट इज मेल इट इज फीमेल, अब देखिए कंडीशन क्या आएगी, फीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी विल बी डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप ऑफ मदर। अब यहां देखिए मदर का जीनोटाइप में कैपिटल डी नहीं है इसलिए अब जो यहां एग बनेंगे उनमें प्रोटीन नहीं होगी, और जब प्रोटीन नहीं होगी दे ऑल विल बी सिनिस्ट्रल। तो देखिए तीन हमें मिल गए डेक्स्ट्रल और एक मिल गया हमें सिनिस्ट्रल। तो जो रेशियो 3:1 मेंडेलियन इनहेरिटेंस में F2 जेनरेशन में मिल जाता था
वही 3:1 का रेशियो अब यहां पर हमें F3 जेनरेशन में मिल रहा है। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि फिनोटाइप जो भी होगा प्रोजेनी का, चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव हो, हेटरोजाइगस हो या होमोजाइगस डोमिनेंट हो, हमें प्रोजेनी का फिनोटाइप नहीं देखना है, हमें देखना है उसमें मदर का जीनोटाइप। तो मदर का जीनोटाइप अगर कैपिटल डी वाला है तो वो प्रोटीन वाले एग बनाएगा, डेक्सट्रल फिनोटाइप होगा। मदर का जीनोटाइप अगर बिना प्रोटीन वाले एग बना रहा है तो फिनोटाइप सिनिस्ट्रल होगा। तो देखिए यहां पर हमने क्रॉस बनाया था, इसका जरा रेसिप्रोकल क्रॉस भी देख लेते हैं एक बार, आपको और क्लियर हो जाएगी तस्वीर। देखिए यहां इस क्रॉस में हमने इसको मेल माना है, अब इस डेक्सट्रल को हम मान लेते हैं फीमेल और इस सिनिस्ट्रल को हम मान लेते हैं मेल। अब देखिए कंडीशन क्या होगी, F1 जनरेशन कैपिटल डी स्मॉल डी, ऑल विल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। फीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी विल बी डिटरमिंड बाय जीनोटाइप ऑफ मदर, मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी है तो यहां जो एग बनेगा वो कैसा होगा, प्रोटीन वाला, इसीलिए फीनोटाइप कैसा होगा, डेक्सट्रल। अगर इन्हें हम आपस में क्रॉस कराएं तो देखिए क्या कंडीशन होगी, सपोज इट इज मेल इट इज फीमेल, तो कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। अब देखिए यहां कोई भी कॉम्बिनेशन सही, हमें केवल क्या देखना है कि मदर का जीनोटाइप क्या, मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी है तो यहां जितने भी एग बनेंगे उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होगी, तो यहां प्रोटीन प्रेजेंट अगर है तो ये सारे के सारे फीनोटाइप कैसे होंगे, डेक्सट्रल होंगे। अब यहां एक बात समझ लीजिए और टोटल आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने जब ये मेल और फीमेल का क्रॉस कराया था तो फर्स्ट जनरेशन जो हमें मिली थी वो सिनिस्ट्रल मिली थी, क्योंकि ये डेक्सट्रल था ये सिनिस्ट्रल था। ये हमें सिनिस्ट्रल इसलिए मिली थी, फीनोटाइप विल बी डिसाइडेड बाय द जीनोटाइप ऑफ मदर, तो मदर के जीनोटाइप से जो एग बन रहे हैं यहां प्रोटीन नहीं होगी, इसीलिए ये कैसा हुआ, सिनिस्ट्रल। लेकिन यहां कैपिटल डी अवेलेबल है। अब देखिए डिलेड इफेक्ट क्या है, यहां कैपिटल डी होने के बाद भी ये सिनिस्ट्रल फिनोटाइप शो कर रहा है, लेकिन जब ये सिनिस्ट्रल ये भी सिनिस्ट्रल है और ये भी सिनिस्ट्रल है। अब देखिए कंडीशन क्या हो रही है, मान लीजिए ये मेल और ये फीमेल। अब डिलेड इफेक्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां देखिए कैपिटल डी है लेकिन फिर भी ये सिनिस्ट्रल है। अब यहां कैपिटल डी इस समय एक्सप्रेसिव नहीं था क्योंकि यहां अभी एग नहीं बना रहा था, ये इसे तो एग बना बनाया मिला था मदर का, और फ्यूजन के बाद जायगोट हुआ, जायगोट से हमें यहां कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मदर के जीनोटाइप से जो एग बनेगा उससे लेना देना है। तो देखिए यहां ये खुद तो सिनिस्ट्रल है लेकिन जब ये अब एग बनाएगा तो ये कैपिटल डी होने की वजह से प्रोटीन बनाएगा। तो देखिए यहां जो प्रोजेनी अब डेवलप होगी दैट प्रोजेनी विल बी डेक्सट्रल। क्यों डेक्सट्रल होगी, फीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिटरमिंड बाय द जीनोटाइप ऑफ मदर, तो मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी अवेलेबल है इसीलिए यहां एग में प्रोटीन बनेगी और एग जब फ्यूज करेंगे तो फिर डेक्सट्रल कॉइलिंग शो करेंगे। तो देखिए खुद सिनिस्ट्रल था, ये खुद सिनिस्ट्रल है लेकिन इस जीन का डिलेड इफेक्ट है, इफेक्ट डिलेड मींस कि ये जीन तभी शो कर रहा है जब ये एग बना रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिलेड इफेक्ट। तो बस दो चीजें यहां ध्यान रखनी है, फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी विल बी डिटरमिंड बाय जीनोटाइप ऑफ मदर, सेकेंड डिलेड इफेक्ट। थैंक यू।